हेलो फ्रेंड्स, आपका नीना किचन में स्वागत है। आज मैं हॉट एंड सावर सूप बनाने जा रही हूँ। ठंडी में बहुत ही अच्छी लगती है ये सूप। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए मैंने किन किन चीजों को लिया है। ये देखिए, मैंने आधे टुकड़े कैप्सिकम को काट लिया है, एक प्याज को मैंने फाइव चॉप किया है, ग्रीन ऑनियन है, फूल गोभी, गाजर, मटर, हरी मिर्च है, थोड़ी सी धनिया है, कॉर्नफ्लावर और चिंग्स का मैंने हॉट एंड सावर सूप लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पैन चढ़ा रखा है गैस पे। अब इसमें मैं दो चम्मच तेल डालती हूँ। देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कैप्सिकम को डालते हैं। सारी सब्जियों को डाल के हमें भून लेना है। जितनी भी सब्जियां मैंने काट के रखी थी, अब सभी को डाल के इसे हल्का भून लेना है। देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, देखने में कलरफुल। ये देखिए, हमारा सब्जी भी भून चुका है। इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस ऐसी हमें चाहिए। और मैंने देखिए, यहाँ चिंग्स का जो मैंने पैकेट लिया था सूप का, उसे ग्लास में डाल के अब इसे हमें घोल लेना है। अब देखिए, चिंग्स को मैंने घोल के रख लिया है। इसमें अब मैं दो चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर को मैं ऐड कर दूंगी। ये दो चम्मच बड़े चम्मच से कॉर्नफ्लोर है। ये सूप बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। इसे आप जरूर ठंड में बनाएं। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब देखिए, जो मैंने घोल के रखा था, अब मैं इसको डाल दूंगी सब्जी में। इस तरह से आप एक बार जरूर सूप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसमें हम मैजिक मसाला डालेंगे, मैगी का। इससे टेस्ट और ही अच्छा बढ़ जाता है। और इसमें थोड़ी सी पानी भी मैं ऐड कर देती हूँ। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके हमें बॉयल आने तक चलाना है। ये गाढ़ा होते जाएगा। अब इसमें एक चम्मच विनेगर और हरी मिर्च को डाल देते हैं। डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है बॉयल आने तक। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सूप है। ठंडी में बच्चों को जरूर दीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। और अपने भी खा सकते हैं, अपने भी पी सकते हैं, बहुत ही मजा आता है इसे पीने में। देखिए, हमारा सूप अब गाढ़ा हो चुका है। ये भी बहुत गाढ़ा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर देती हूँ। ऐड करके इसे हमें और पका लेना है। देखिए, हमारा सूप का कलर कितना चेंज हो गया। इसे और पकाना है हमें, ये और गाढ़ा होगा अभी। देखिए, हमारा सूप बनके तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में डाल लेती हूँ। देखिए कितना हेल्दी और टेस्टी सूप बनके तैयार हुआ है। देखिए, हमारा सूप बनके बिल्कुल तैयार है। और मैंने इसे सर्विंग बाउल में डाल के इसे मैंने धनिया की पत्ती से सजा दिया है। और देखिए कितने यम्मी और टेस्टी सूप बना है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि कैसा बना आपका ये सूप। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज अगर मेरा सूप आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।